भाई वाह 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 वाह, तबीयत खुश हो गई। आप कौन? हम दुल्हन है। अजीब तो घर दिखाई दे रहा है, मगर आपको इस तरह हमारे प्यार में घर से भागकर नहीं आना चाहिए था। क्या क्या अर्ज करें, हमारी बेगम बहुत खूंखार और बहुत ही खतरनाक खातून है। तो हम क्या करें? तो आप ऐसा कीजिएगा, अंदर तशरीफ मत लाइएगा। इस बंगले के पीछे ना एक कैफे है, वहाँ बैठेंगे दोनों, कैंडल लाइट में वहाँ मिल लेंगे हम। हमारा तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हटो हमारे सामने से। भाई कमाल ही हो गया, जिसका जी चाहता है मुंह उठाए अंदर चला आता है। तू कौन है कुड़ी और मेरे घर में क्या कर रही है? हम दुल्हन है, यहाँ हनीमून मनाने आया है। मेरे घर में वोटी आ गई, तुझे और कोई नहीं मिला था डैन, क्योंकि तूने उनसे शादी? क्योंकि हम उससे सच्ची मोहब्बत करता है। यानी तेरे प्यो की उम्र का है वो? अरे नहीं नहीं, हमारा शोर तो अभी जवान है, हीरो है हीरो। मैं बर्बाद हो गई, मैं कितने जावा मंजी कितने जावा। जी आंटी क्या हो गया, रो क्यों रही है? और ये लड़की कौन है? ये मुस्तकीम की दुल्हन। विशे विशे, इसका मतलब है मेरे मुस्तकीम ने दूसरी वो कर ली है। हाय माँ जी, आपके शोहर महमूद साहब हैं, मुस्तकीम साहब नहीं, और ये मुस्तकीम साहब की दुल्हन है, यानी जोजी आंटी की सौकन। ओए हम किसी मुस्तकीम का दुल्हन नहीं है। शुक्र है रब्बा, मुझे तो पक्का पता था पहले ही कि मेरे मुस्तकीम मेरे सिवा किसी को आंख उठा के नहीं देखते। इसका मतलब है कि ये मेरे मसाऊद की दुल्हन है। हाय अल्लाह जी, कल रात इतनी लड़ाई हुई है तो सवेरे सवेरे डैन ले आया है वो। हाय रब्बा, मैं की करा, ओए मैं लुट गई। सुबह सुबह कौन डायन आ गई, हुआ क्या है? सुबह सुबह तेरे बाप की वो आ गई है। वो क्या माँ जी? दुल्हन नबील। हमने शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। नबील मैंने की तो नहीं है यार, लेकिन अगर अब ये लड़की कह रही है तो मैं मान लेता हूँ। ओ आपको तुम सब लोग पागल लगता है, हम इस बड़े मुंह वाले बुड्ढे का दुल्हन नहीं है। हाय हाय, तो फिर किसकी दुल्हन है? तुम मुंह से फट क्यों नहीं रही, फट पा रही है हमारे दरमियान? हमारा दूल्हा भी आता ही होगा बाहर से। ओ भाई कितना भारी सामान है, कितना भारी सामान है। अरे कौन है आप? किबला? हम किबला बिबला नहीं है, हम चीता खान है, चीता खान। जी चीता खान, ये फरमाइए कि आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं, और वो दुल्हन? ये हमारे चाचा का घर है। लेकिन हम तो आपके चाचा नहीं है। ओ तुम नहीं भाई, हम महमूद चाचा की बात कर रहे हैं। महमूद चाचा? बुद्धि को सुकून, किसका किसका? महमूद चाचा, महमूद चाचा। अरे ठहरो, महमूद चाचा, हमें बेवकूफ बना के 100 रुपए। ये रहा हमारा दूल्हा। सलाम महमूद चाचा, सलाम नबील भाई। सलाम हो, तेरी खैर हो। वालेकुम सलाम। अरे ये तो सब ठीक है, लेकिन तुम यहाँ कैसे और ये दुल्हन? चाचा अपनी शादी मनाया और हनीमून मनाने आया। क्यों? हमारा घर क्या पहाड़ों पर है जो तू इधर हनीमून मनाने आया है? इधर तो बर्फ भी नहीं गिरती भाई। कोई बात नहीं चाची, हम अपनी जानम को सायले समंदर पे लेके जाएगा, वहाँ भी ऊँट पे बिठाएगा, उसको वहाँ भुट्टा खिलाएगा, हम यहाँ 2-4 महीने रहेगा, फिर वापस जाएगा। ये क्या हुआ? मैं 3-4 महीने किसी को मुफ्त में नहीं रखूंगी। क्यों रहोगे भैया डलम्मा तुम इधर? हम अपने चाचा के घर आया है, हमारा बाप हर मुश्किल वक्त में चाचा का मदद करता है। चाचा बोलो ना। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हनीमून मनाने यहाँ कराची में क्यों आ गए भाई? यहाँ बहुत गर्मी होती है यार। तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी भाई। ओए चीता, तुम तो हमको कह रहा था कि ये हमको एसी वाला कमरा देगा। ओए मेरे कमरे का तो एसी बीसी सीडी सब खराब हो गया है। तो फिर तय हो गया, हम नबील भाई के कमरे में रहेगा। ओए मैं बता रही हूँ, एक भी एक्स्ट्रा बंदा मैंने नहीं रखना है मुफ्त में। एक मिनट, आप लोग आराम से यहाँ बैठे, आप लोग सब मेरे साथ आए, ऊपर चल के पहले समझे तो सही कि सिचुएशन आज की है क्या। हाय वैसे मुस्तकीम, मैं तो डर ही गई थी कि ये तुम्हारी तो नहीं है दुल्हन। हद हो गई है भाई, कमाल हो गया, तो समझ नहीं आ रही।
अबे शेर खान के चूजे, अरे तुझे यही जगह मिली थी हनीमून मनाने के लिए जो इसे लेके आ गया यहाँ। महमूद चाचा, हमारी जानम को ना समंदर देखने का बहुत शौक है। अब जाके डूब मर समंदर में, मैंने नहीं देना अपना कमरा वमरा। वैसे कराची तो आप एक ही दिन में घूम लेंगे, एक महीने में तो बोर हो जाएंगे। नहीं नहीं भाभी जान, एक दिन अपनी जानम को हम नागन चौरंगी की नागन दिखाएगा और फिर दो तलवार का तलवारें भी दिखाएगा और उसके बाद अंडा मोड़ का अंडा भी दिखाएगी। और एक दिन ना गोरा कब्रिस्तान में जाके गोरा जिन भी दिखा देना। हाँ हाँ, फिर हम इनको ना कावा भी पिलाएगी। ओ भाई कावा तो तू इसको पिशावर में भी पिला सकता था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी। और यारा नबील भाई, अगर हम केवा इसको पिशावर में पिला देती तो ये हमसे शिकायत नहीं करती कि हम हनीमून मनाने के लिए इसको कहीं भी लेके नहीं गए। देखिए हमारे पास सिर्फ दो कमरे हैं और जोजी आंटी भी अपने कमरे में किसी को नहीं रहने देंगी। आपका कोई और रिश्तेदार तो होगा ना वहाँ चले जाएं। नहीं नहीं भाभी जान, ये कैसी बातें कर रही हो तुम। ये महमूद चाचा हमारे अब्बा का इकलौता दोस्त है और ये नबील भाई हमारे आठ भाइयों से ज्यादा अजीज है। इनको छोड़ के हम किधर जाएगी। होटल में, तू होटल में जा फुतर। ओ मना, तुम तो बोली थी कि ये तुम्हारी रिश्तेदार है, हमको सराकों पे बिठाएगी और हमको सलामी भी देगी। देगी जानम देगी, तुम जरा सबर करो। महमूद चाचा, नबील भाई, तुम जरा हमारे साथ आओ, हमने अकेले में तुमसे कुछ बात करनी। अकेले में भी तुम्हारी बात सुन लेते हैं, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें इस घर से जाना पड़ेगा। एंड में आओ, बैठ जा। तू बैठ जा, तेरी शादी के मुबारक मौके पे पश्तो शाम पेश करती हूँ। नबील भाई, महमूद चाचा, महमूद चाचा, तुम मुमताज चाची को समझाओ ना कि हमको वो यहाँ रहने दे। अरे चाची मान भी गई ना तो खूबसूरत नहीं मानेगी भाई, तुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नबील भाई, ऐसी बात मत करो, हम वादा करती है अगली दफा हम आएगी ना तो सबके लिए पांच बोरी चिलगोजे लेके आएगी। यार महमूद साहब झूठ बोल रहा है यार, पिछली दफा भी इसने कहा था मैं चिलगोजे लेके आ रहा हूँ, मूंगफली तक नहीं लेके आया था बल्कि हमारी रेवड़ियां खा गया था। अरे कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, अगली बार की अगली बार देखी जाएगी। अभी बता अभी क्या लेके आया है। अभी तो हम जल्दी जल्दी में आया ना महमूद चाचा, तो अभी तो वैसे ही आया। अच्छा जल्दी जल्दी में आया तो जल्दी जल्दी में दुल्हन तो ले आया, हमारे लिए कुछ याद नहीं रहा तुम्हें लाने के लिए। नबील भाई, नबील भाई मेरी बात सुनो, इस बार ना हमको माफ कर दो, अगली दफा हम कसम खाती है हम जरूर लेके आए। ओ भाई पीछे तो लाया होगा तू, हनीमून मनाने खाली हाथ तो नहीं आया होगा ना। पीछे हम लाया बस, तो भी ठीक है ना, 20,000 रुपया रोजाना के हिसाब से किराया होगा और तेरे बाप की दोस्ती की वजह से ना खाना पीना तुझे फ्री में दे दूंगा। चलो डन कर। महमूद चाचा 20,000 कुछ ज्यादा नहीं है। तू एक काम कर भाई, तू किसी 5 स्टार में चला जा। ओ भाई इससे अच्छी डील नहीं मिलेगी, चल पैसे निकाल। अच्छा अच्छा ये लो पैसे। नबील भाई हमारी बात सुनो, जरा कमरा थोड़ा सा सजा देना। ओ इंसान बनो, बुलबुले बच्चे भी देखते हैं। ये क्या बात हुई, तुमने हमसे पैसा लिया। अरे पैसा लिया तो शुक्र अदा कर, हमने तुम दोनों मियां बीवी को अलग अलग कमरा नहीं दिया, समझ आई है। औरतों से भी पूछे वो क्या कहती हैं। पूछे क्या बताते हैं उनको, डील हो गई है। अच्छा तू ये बताओ कि मेरे लिए नेग लाई है। नहीं, चीता खान तो बोली थी कि तुम सब मिल के हमको मुंह दिखाई देगा। तेरा मुंह तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तू ऐसा कर के प्रवीण से ले ले अपनी मुंह दिखाई। खूबसूरत माँ जी। हाँ तुझे खूबसूरत लग रही है तो तू दे दे मुंह दिखाई। लो भाई फैसला हो गया। कैसा फैसला? जानू तुम और माँ जी एक कमरे में रहेंगे और हमारे कमरे में दूल्हा दुल्हन रहेंगे। शाबाश पुत्र, बड़ी अच्छी डील हो गई है। हाँ हाँ, हर दिन के हिसाब से 20,000 रुपए हमने दिया है, पूरे 10 दिन का 2,00,000 रुपया। कम से कम महीना तो रहेंगे ना भाई ये लोग। पूरा एक महीना? हाँ जान, नई नई शादी हुई है जानू, उन्होंने घूमना है फिरना है। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ चप्पा चप्पा देखना है अपने कराची का, चप्पा चप्पा देखना, भाभी को दिखाना भी। हेलो, हाँ हेलो, क्या हो? अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा ठीक, ओके ओके। क्या हुआ महमूद साहब, कौन था? नहीं नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तुम और चीता तुम आओ जरा नीचे मेरे साथ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। और मोमो तुम तब तक ना दुल्हन को कमरा दिखा दो। आओ 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 आओ, अबे जा नहीं तेरा। माँ जी आपने खराटे नहीं मारने रात में। चुप है, चल मैडम मैं तुझे बच्ची खाना दिखाऊंगी। मेरा तो अभी अभी शादी हुआ है। ओहो इनका मतलब है बेडरूम।
अरे होना क्या है, अरे ये गोंगलू जो है ना, अरे शेर खान के दुश्मन की बच्ची को भगा के ले आया है। अभी अभी शेर खान का फोन आया था, उसने बताया कि लड़की वाले इसके खून के प्यासे हो रहे हैं। तो क्या पापा जान ने हमको वापस बुलाई है? नहीं, उसने कहा है कि अगर तू लड़की वालों की गोली से बच भी गया ना तो वो खुद तुझे गोली मार देगा। महमूद साहब, ये तो हालात बड़े नाजुक लग रहे हैं यार, कहीं हम पे कोई बली ना आ जाए। महमूद साहब, तुझे शादी के लिए बाप के दुश्मन का घर ही मिला था। नबील भाई, अब क्या करती? वो लड़की जो है ना, हमारे लिए अपनी नफस काटने के लिए तैयार था, हमने तो उसकी जान बचाई। भाई भाई, हम तुझे नहीं रख सकते भाई, हमें माफ कर। नहीं नहीं महमूद चाचा, ऐसे मत बोलो, तुमने हमसे पैसा लिया। अरे भाई, अब खतरा बहुत बढ़ गया है, हमें तो पता ही नहीं था तेरी दुश्मनियों का, ये तो खानदानी दुश्मनी लग रही है महमूद साहब। ना और यारा, फिर हम कोई दूसरी डील बना लेते। अच्छा जी, दूसरी डील? कर खोल के सुन ले, दूसरी डील में हम भी हिस्सेदार होंगे पूरे पूरे, क्या मुस्तकीम? अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि हमने सब कुछ सुन लिया है। बिस्मिल्लाह, कीजिए डील, कीजिए डील। ओके ओके, ते बस अगली डील में पूरे 51% 51% के हम हिस्सेदार होंगे। मुझे मंजूर है, मंजूर है। ए, तुझे मंजूर है? ऐसे ही मंजूर है। 52 के हम होंगे पार्टनर। जनाब, आपको ये सुन के जहमत तो बहुत होगी कि हम चंदा दे चुके। भाई, हम तुमको चंदा मांगने वाला दिखाई दे रहा है? अभी हम तेरे को ना मक्की की तरह मसल देगी। क्यों जी, हम आपको मक्खी की मानी दिखाई दे रहे हैं मोहतरम? हम मोहतरम नहीं है। अजी, वो हमारे मुंह से निकल गया गलती से, वो तो दिखाई दे रहा है कि आप मोहतरम नहीं। ओए, हम तोपखान है, तोपखान। यहाँ पड़ गई ना तो सब धर्म भरम हो जाएगा। तो सामने से और तोपखान फटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा बहन किधर है? उसको हमारे हवाले करो। केड़ी बहन? किसकी बहन? और नशई है ये, नशई, निकालो इसे बाहर मुस्तकीम। देखो चीता खान, हमारी बहन को ये भगा कर लाया है, उसको हमारे हवाले करो, वरना हम इस घर में सबको गोली मार के जाएगी। आपकी बहन पाया ना नीचे वाले पोर्शन में तो नहीं है? ऊपर मैं कन्फर्म करके आती हूँ, फिक्र ना करे, लग जाएगी, लग जाएगी। मुस्तकीम चार ठंडा पूछ मेरे प्राणों, मुंह थल्ले करिए दा, मुंह थल्ले करिए। जो हुक्म जोजी बेगम। बस है नबील, हर थोड़ी देर बाद किसी चीज की फरमाइश कर रहे हैं, कभी मीठा कभी नमकीन, उनसे कोई ये फरमाइशें नहीं हो सकती खानों की। अरे जानू, वो तो डील का हिस्सा है भाई, बनाना तो पड़ेगा। तो तुम बना लो। जानू, अगर तुमने ना बनाया ना तो मामा माजी बना लेंगी। मैंने कुछ नहीं बनाना। ओए गजब हो गया, गजब हो गया, थल्ले हो तोप खान आ गया। कौन तोप खान? ओए तोप खान हो नहीं है, चंगेज चीता खान। कौन है? ओदी बॉडी दा भरा। वो क्या लेने आया है यहाँ पे? ओए शेर खान और तोप खान जानी दुश्मन है, और ये जो है ना इसकी बहन, चीते खान ने अपने दुश्मन के घर में ब्याह कर लिया, अब दोनों जानी दुश्मन बने हुए हैं इसके खून के प्यासे। वो आ गया अपनी बहन को लेने, गोंद भी है उनके पास। विश्वास है, इसका मतलब है कि वो चीते खान और उसकी दुल्हन के साथ इन लोगों को भी गोलियां मारेगा। मुझे क्यों मारेगा, इन लोगों के साथ डील हुई थी। अब ये कौन सी डील है? बताते हैं, लेकिन हम पहले जरा देख के तो आए कि वो लड़की का भाई क्या क्या रहा है। आओ आओ नबील, चले जरा। महमूद साहब, मेरा ख्याल है आप बड़े मुंह वाले बड़े हैं, आप जाके बात करें, मेरा बड़ों की बातों में आना बनता नहीं है। अबे चल बे, बड़ों की बाकी सारी बातें बड़ों वाली है तेरी, जला नहीं जाए। लीजिए खान साहब, चाय हाजिर है। तुम हमको शरीफ आदमी लगता है। जी आधा बस। बताओ हमारा बहन किधर है? ओ भाई, तुझे शर्म नहीं आती किसी के घर में ऐसे नंगी बंदूक लेके फिर रहे? मैं नहीं कह रहा, ये बात महमूद साहब कह रहे थे, फिर मैंने आगे उन्हें जवाब दिया कि यार एक मजबूर भाई अपनी बहन को ढूंढते हुए और क्या करेगा यार। अरे ऐसा मैंने कब कहा है नबील? महमूद साहब आपने कहा? आप भूल गए, आप बूढ़े हो रहे हैं। ओ क्या है हमारा बहन, वो
उसको हमारा वाले करो। अरे भाई यहाँ किसी की बहन नहीं है और ना ही किसी का बेटा है। मैं इनका बेटा हूँ। हाँ? वो भी सुतेला। हाँ तो ना ही कोई हनीमून पे आया। क्या हनीमून? ओए अनपढ़ जाएगा, अनपढ़ जाएगा, हमारा बहन हमारे वाले करो। ओ भाई मैं अपने बाप के सर की कसम खाता हूँ यहाँ कोई नहीं। अरे ने बेल, तुम अपने बाप के सर की कसम क्यों खा रहे हो भाई? ओ यार मैं मूसा, मैंने अपने पहले वाले बाप के सर की कसम खाई है, रोशू लंबी उंगलियों वाला जो है उसकी। यार ठीक है, हम मान लेते हैं वो लोग यहाँ पे नहीं आया, लेकिन वो लोग यहाँ पे आएगा जरूर, क्योंकि चीता खान के यहाँ कोई और रिश्तेदार नहीं है। भाई जब वो आएंगे तो हम आपको फोन कर देंगे। नहीं 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 नहीं, हम खुद यहाँ पे उनका इंतजार करेगी, हम यहाँ पे बैठेगी जब तक वो लोग आ नहीं जाती, चाहे इसके लिए हमको 3-4 महीने यहाँ रुकना क्यों ना पड़े। चलो हमको हमारा कमरा दिखाओ। कमरा? एक और कमरा? और ये सारे मेरे घर में ही आके क्यों वस रहे हैं? चलो हमारे लिए खाने के लिए कुछ लाओ और रात के खाने के लिए ना दमबुक तैयार करो। ओ भाई ये 3 कप चाय तेरा बाप पिएगा? ओ ये हम पिएगा ना, हमारा जिम्मेदारी है, तेरे को क्या तकलीफ है? अरे नहीं जब दिल करे पी ले। क्या तकलीफ है भाई? हमें क्या? जानम ये देखो तुम्हारा मुंह दिखाई है, नहीं इसमें पहनाएगी ये। चीता खान ये तो मर्दों वाला अंगूठी है। हाँ हाँ जानम, मर्दों वाला अंगूठी है, हमारा अब्बा जान का अंगूठी है, जब हम उनके पैसे चुरा रहा था ना तो अंगूठी भी चुरा ली। तुम फिक्र मत करो, अगली दफा तुम्हें दोबारा मुंह दिखाई देगा। चीता खान हाँ? तुम हमको चीते की तरह बोल के दिखाओ। तो अभी लो। ये मेरा कमरा है। तुमने चीता खान से पैसे लिए? तुम्हारा भाई नीचे आ गया है, तुम संभालो उनको। चलो चीता खान निकालो इनको यहाँ से। और जानम तुम समझ नहीं रही है, तुम्हारा भाई तोप कान आ गया, वो हमको तोप से उड़ा देगी। नबील भाई महमूद साहब हमको बचा लो, इसको निकालो यहाँ से, वो मैं मार देगी, हमें भगाओ यहाँ से। ओ भाई वो वापस जाने के लिए मान ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की यानी अपनी बहन की लाश लेकर जाएगा यहाँ से। नबील भाई अब हम क्या करेगी? कोई नहीं, मेरा पुत्र वकील है ना, झूठा फरेबी मकार ये सब संभालेगा, कोई ना कोई हल निकाल लेगा। थैंक यू माँ जी, थैंक यू, हल आ गया, हल निकाल लिया मैंने। अच्छा सुने करना क्या है देखो। वाह खान साहब आपके सदके, आप पे कुर्बान, आपने एक हड्डी तक नीचे नहीं फेंकी, बिल्ली आपको बहुत बुरा भला कह रही थी। वाह भाई वाह, बड़ा मजेदार गाना था भाई। आधा वर्ष करते हैं। वैसे मेरा ख्याल है तो पाया ना, ये आपकी बहन और वो बादशाह खान की ना है, वो नहीं आने वाले इधर। अब वैसे ईमानदारी की बात है, उनकी जगह पे हम होते तो हम तो कश्मीर की वादियों में खो जाते जाके। ना ना वो खबीज का बच्चा इधर ही आएगा, क्योंकि उसके बाप का जिगरी जाग रहता है यहाँ पे ना। आ गया बाप का जिगरी यार, वो जो का बच्चा आप कह रहे थे। खास साहब मेरा ख्याल है आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, जैसे ही आपकी बहन यहाँ आएंगी हम आपको इतला कर देंगे। हाँ और अगर फिर भी आप मुतमिन नहीं हो रहे तो महमूद साहब को साथ ले जाए, गिरवी रख लेंगे। ओ यार क्या हो गया महमूद साहब, इतनी कुर्बानी तो हम दे सकते हैं भाई? अब तो हमको शक हो रहा है। ओ भाई महमूद साहब पे तो बच्चे को शक है कि ये जगूटा के सगे चचा हैं। नहीं नहीं इस पे नहीं, हमको तुम सब पे शक हो रहा है कि तुम सब झूठ बोलता है। अगर आप फरमाएं तो हम अपनी बेगम की कसम खा लें। मुस्तकीम? नहीं नहीं नहीं, हम खुद तसल्ली करेगा, हम खुद तलाशी लेगा, पहले नीचे का फिर ऊपर का, दोनों जगह का। हाँ 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 ले लो तलाशी, हमें कोई डरी मारी है किसी? चले आओ नीचे शुरू करो। आ जाओ आ जाओ। ओ यार गन तो नीचे रखो यार, नहीं चलेगा यार ये। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार, चल दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस बार की देखी जाएगी भले उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा, और बबल फुलाए चलता जा, कोई आए जाए। खाना माँ जी
जहर। क्या? क्या? कैसा तू जालम भाई है। मासूम बहन ने तेरी वजह से जहर खा लिया। ओ अल्लाह की कसम, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इन दोनों ने तुम्हारे ही डर की वजह से खुदकुशी की है तोप खान। हमारे डर से? हम तो गली का कुत्ता भी नहीं डरता है। तो पहले तुझे बताया महमूद साहब ऐसे डर रहे थे। पर ये बेचारे तो डरते थे ना। इससे पहले कि तुम इन तक पहुंचते, इन बेचारों ने अपनी जान ले ली। आए तुमने मार डाला। वो हम क्या करता यार, हमने तो आज तक मक्की भी नहीं मारा और ये पिस्तौल तो हमारा दादा के जमाने से नहीं चला। खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता। नबील पुलिस को बुलाओ यार, पुलिस केस है। नहीं 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 नहीं, हम पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ सकता। हम अभी इसी वक्त पिशावर जा रहा है। तुम लोग ये पैसे रख लो, इनके तबीयत ठीक से कर देना। सब कुछ ठीक से कर देना। हौसला कर, हौसला कर दो खान, हौसला। बड़ा बनाया, कैसा बेवकूफ बनाया हमने। असल में तो नहीं मर गए? हाय, ये तो उल्टा हमारे ऊपर पुलिस केस बन जाएगा। अब क्या होगा? उमर तोप लाला को बेवकूफ बनाया, ये तो बहुत मजा आया। ओ जानम जल्दी करो वरना हम सच में मारी जाएगी। ओए सामान दो अपना सामान, वो पड़ा हुआ सामान लेके जाना। अरे यार महमूद साहब नोट तो निकाल ले। ये देखो। अरे वाह महमूद साहब, कड़क कड़क दे नोट है ये, कड़क कड़क दे। अरे ये जो कड़क कड़क है ये नोट है। हां जी अच्छा जी। अरे आलो 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 आलो, जल्दी चलो। जानम भाई ये क्या है? जानम जल्दी चलो, इससे पहले तुम्हारा भाई आ जाए इस इलाके से निकलो। लेकिन तुम हमको पहले समंदर लेके जाएगा। पहले तुम हमसे तो मिल लो। लाला तुम, हमको पता चल गया था तुम लोग हमारे से ड्रामा करती है, इसलिए हमने भी तुम्हारे से ड्रामा किया। तोपखान भाई तुम गुस्सा दूर करो, अब हम फैमिली है। फैमिली का बच्चा, हम तुम दोनों को अपने हाथ से गोली मारेगा। बोलो कलमा। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं।